सामने आप देख सकते हो कि अभी हमारी मॉर्निंग में ही शॉप खुल चुकी है। अरुण और डैडी जी यहाँ पे बैठे हैं, तभी हम ऊपर जा रहे हैं। देखो घोड़े वगैरह सारे सामान लेके नीचे जा रहे हैं। और अभी मॉर्निंग की बात की जाए ना तो कुछ मौसम इस तरह से है, मतलब यहाँ पे बादल छाए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, देख सकते हो आप। तो वो अभी हमने लास्ट स्टॉप में जाना है, आप देख रहे हो वो पीछे जो पहाड़ी लास्ट वाली है, यहाँ पे है गौरीकुंड। और यहाँ पे मैंने दीक्षु को ले लिया है एक खट्टा सा नींबू। दीक्षु लो, दीक्षु का मन थोड़ा सा खराब हो रहा है, नमक नहीं ले गया यार। इसमें साथ में लगा दिया, खोल इसको, ये देख नमक और मिर्च। हाफ इसको दे दे, आधा तो दे दे। नहीं नींबू के साथ मन जो खराब होता है ना वो ठीक हो जाता है। हाँ तो वैसे तेरे को उल्टी, हाँ दादा लेके रखो ठीक है। रास्ते में वो देखो अभी रास्ता वो ऊपर तक जाना हमने, और जो पीछे मतलब आदमी आ रहे हैं ना, ये सारे जो शाम को टेंट में रुके थे। अभी हम पहुंच चुके हैं सुंदरासी में, घनछो के बाद जो स्टेशन आता है ना वो आता है सुंदरासी, जहाँ पे मतलब लंगर वगैरह सारा कुछ नाइट स्टे का पूरा इंतजाम रहता है। तो अभी तो हम थोड़ा ही रहा, 2 किलोमीटर रहा बाकी बस। सच में? हाँ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तभी हम सुंदरासी में पहुंच चुके हैं, बस 2 ही किलोमीटर बाकी है और आ जाएगा गौरीकुंड। कुछ इस तरह से रही सुंदरासी की मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हो लंगर वगैरह भी, यहाँ पे पूरा इंतजाम है। तो यहाँ पे सोने की दुकानें जितनी भी आप देख सकते पीछे, कुछ इस तरह से है सुंदरासी। वैसे ज्यादा बड़ी मार्केट तो नहीं है धनछो के मुकाबले, लेकिन ठीक ही है फिर भी। तो नाइट स्टे का यहाँ पे पूरा का इंतजाम रहता है। और यहाँ पे अभी आए लंगर मिल गया है, यहाँ पे सेवियां बनी है, सेवियां खाने के लिए हम बिल्कुल रेडी। जय शंकर हर हर महादेव। तो अभी हम सेवियां खाते हैं और यहाँ से चलते हैं। अगला जो स्टेशन आएगा वो आएगा गौरीकुंड। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जितने भी यात्री आते हो यहाँ पे स्टे कर सकते हो। भाई रात का रहने का इंतजाम भी है ना, तो यहाँ पे भाई लंगर का नाम आपका बोर आप सामने देख सकते हो। तो यहाँ पे पूरा इंतजाम रहता है सुंदरासी में। और यहाँ पे देखो भाई, दोनों सिस्टर जो है एक ही कटोरी में अपना प्यार बांट रही है। क्या क्या बोल रहे जो? हाँ वैसे बड़ी स्वादिष्ट बनी है ना, मैंने भी खाए। बिल्कुल बिल्कुल सच में यार, वैसे लंगर में होता अच्छा है सब कुछ ना। बिल्कुल सबसे मेरी फेवरेट तो खीर ही रहती यार, कसम से लंगर की खीर। हाँ तो ये भी खीर ही समझो, ये भी खीर ही है। अभी हम सुंदरासी से थोड़ा आगे आ गए और यहाँ से मतलब 2 रास्ते जाते हैं। देखो एक रास्ते से यहाँ पे पल्लू और दीक्षु जो ये वाला रास्ता रहा, ये रहा भैरव घाटी को, वो ऊपर जाके गौरीकुंड में मिलता है। और ये जो गया ये भी गौरीकुंड ही गया, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ता है और ये थोड़ा शॉर्ट। हाँ ये देखो भाई, ये मतलब लोगों ने शॉर्टकट बना लिया है, बिल्कुल चढ़ाई वो ऊपर जाके इसका लास्ट में एंड होता है। आप देख सकते हो वो पीछे ऊपर देखो, और भाई इस पहाड़ी का तो कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है, वो ऊपर तक देखो। और लोग भाई अभी आ जा रहे हैं, जो भी टेंट में रुके थे अभी तो वही लोग जा रहे हैं, और बाकी के यात्री जो पीछे से आते हैं वो तो दूसरे टाइम ही पहुंचते हैं। क्या बोलते दीक्षु? तो चलो क्या हूँ मतलब कि हाँ। कुछ बोलो, क्या आवाज नहीं तेजी चली गई मेरे ख्याल में, अभी तो किलोमीटर भी नहीं चली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पल्लू तेरे को क्या क्या देख रही है? देख रही जैसे वैसे वैसे ऑक्सीजन हवा कम। हाँ बस पल्लू का तो बहम की रहती। हाँ इसने पहले ही दिमाग में लेके रखा है। तो लग रही है साइड साइड से हवा जा रही है, बहुत कुछ दिमाग में। ये तो आज मौसम अच्छा है, मतलब बादल ऐसे ही बोलते, बहम का इलाज कोई नहीं है। और नहीं हो रहा जी, जी नहीं हो रहा। हाँ थोड़ी ये बोल रही ना, अगर मैं थोड़ा सा भी चलूँ तो मेरी टांगों में मतलब ऐसे पेन वगैरह होने लगे। तो अभी बोल रही थी मेरी टांगों में मतलब इतनी चढ़ाई चढ़ी ना कल, फिर भी कुछ भी नहीं है। और घर में मैसे भी होता है, घर में हाँ वो तो होता है, 4-5 सीढ़ियां हैं, वो चढ़ते चढ़ते मेरे मतलब ऐसे एकदम से। और पल्लू इन पहाड़ियों को देख के क्या लग रहा है आपको? तो ऑफिस का लास्ट है कोई नहीं है ना? सच में यार हाँ बहुत है। तो तभी तो आप जा चल रहे हो, नहीं तो और भाई अभी तो धूप भी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं लग पड़ी है। वो पीछे आप देख सकते हो वहाँ पे धूप वगैरह लग पड़ी है, लेकिन अभी भोले शंकर की नगरी में तो बादल छाए हैं। देखो भाई दीक्षु और पल्लू ने यहाँ पे एक चीज देखी है और बोल रही है कि इसको वीडियो में लो। वैसे मेरे ख्याल में भी था, लेकिन मेरे ख्याल से चला गया था। तो आपको दिखाता हूँ, ये रहे छोटे छोटे घर जो लोगों ने, जितने भी यात्री आते हैं यहाँ पे, मतलब कोई भी जगह ऐसी नहीं रही है जहाँ पे घर नहीं बना हो। ये देखो किसी ने तो 3 मंजिला डाल के रखा है, किसी ने 4 मंजिला, किसी के मतलब सभी क्या बोलते हो हम लोग भी डाल जाते हैं। आप भी डाल,
इसका पता है क्या अर्थ है? मेरे को नहीं पता, आप बताओ। बोलते हैं अगले जन्म में जब मतलब लोगों की मृत्यु हो जाती है ना, तो उनको मतलब बैठने के लिए घर काम आता है लास्ट में, ऐसे बाहर नहीं बैठना पड़ता है। जैसे जितने भी मर के आत्मा आती है ना, वो भोले शंकर के पास ही जाती है। हाँ, तभी बोलते है बाद में सोने का हो जाता घर भी तेरे को। हाँ, मर के आत्मा तो होती है ना भाई, आत्मा शुद्ध परमात्मा शुद्ध क्या बोलते। तो ये देखो पल्लू भी अभी मैं भी बनाऊंगा अब, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे हमारा घर भी बनके हो चुका है रेडी, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से रहा। हमने सिर्फ दो ही मंजिला डाला है क्योंकि हम दो हमारे दो हो गए, क्या बोलते हो? कोई बात नहीं, आप नीचे वाली मंजिल में आप एडजस्ट हो जाएं, ठीक है। वैसे जरूर से बताएं कि हमारा घर कैसा लग रहा है भाई, ऐसे सुंदर सुंदर पहाड़ों में और भोले शंकर की नगरी में, और सामने से हमारे घर का व्यू कुछ इस तरह से रहेगा भाई। और गाइस इस यात्रा के बारे में बात करूँ ना, तो मतलब यहाँ पे आके इतना सुकून मिलता है ना कि क्या ही बोलूं। जय हो जय शंकर, बम 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 हर हर। और गाइस इस यात्रा में एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि इस यात्रा में इतना मजा आता है क्योंकि यहाँ पे ना तो फोन चलते हैं ना तो कुछ। वैसे मेरे को अभी तक नींबू की जरूरत नहीं पड़ी, पता है? पड़नी कहाँ से, इसी एनर्जी से बस करते जाओ, जय शंकर हर हर महादेव। क्योंकि जितनी भी यात्रा है ना वो सारी की सारी वहाँ पे नेट भी चलता, सारी मतलब सिग्नल जहाँ कहीं है सारी जगह पे है ना, सिर्फ मनीमहेश को छोड़ के सिर्फ यहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आके मतलब मेरे को 15 दिन हो गया बिना नेट के, बस यहाँ पे आना सिर्फ भोले शंकर का ही नाम आता है, बिल्कुल सुकून जन्नत। मैं तो बोलता हूँ कभी यहाँ पे सिग्नल आए ही नहीं यार, सच में ऐसे ही वीडियो बनाता रहे और नीचे जाके अपलोड कर दूं, बस सिग्नल ना आए। तो ये सामने भैरव घाटी आप देख सकते हो, जो झरना दिखाई दे रहा है ना, ये है भैरव जी का, मतलब यहाँ पे भैरव जी निवास करते हैं। मेरे को इसके बारे में तो पूरा पता नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ पे इतना सुना है कि भैरव जी निवास करते है यहाँ पे। क्या बोलते यार, यहाँ पे आके छिप गए थे कि क्या, मेरे को कुछ पता नहीं है, किसी से पूछ के अलग से इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट टाइम है ना, हाँ, जब आऊंगी तब अपने साथ किसी मतलब राइडर्स, हाँ बुजुर्ग बंदे को लेके आना उनको, ठीक है ठीक है। वो रही आपको ऊपर जाके भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ से ऊपर से ये झरना दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए मैं आपको यहीं से ही दिखा रहा हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है ना, सुंदर फील करो, वहाँ चले जाओ। तो वहाँ से बहुत सुना है वापस भी नहीं आते, अगर कोई चला गया भाई भैरव जी का निवास है, कोई मुखोल तो नहीं है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोई नहीं जा सकता है, सिर्फ ऊपर से हम फील कर सकते हैं ऐसे मतलब देखने में कितने सुंदर लग रहे थे। हाँ बिल्कुल, ऊपर से दिखाएंगे कैमरे में अगर आएगा तो, ठीक है। फाइनली ये रहा भैरव जी का निवास, आप देख सकते हो ये जो झरना है, ये है भैरव घाटी, यहाँ पे मतलब भैरव जी का निवास है। ये जो जितना भी भाई यहाँ पे आवाज सुन के मेरे को इतना डर लग रहा है जैसे मैं नीचे की ओर ना चला जाऊं। और भाई यहाँ से हाइट की बात की जाने, मैं आगे कैमरा नहीं कर सकता क्योंकि इतनी डरावनी जगह है ना, पल्लू तो देख के डर के भाग गई है, देखो भाई कितनी दूर पहुंच गई है। और कुछ इस तरह से है ये पूरा का पूरा नाला, आप देख सकते हो नीचे तक जितना भी पानी है, भाई बहुत ही डरावना सीन है यहाँ पे तो, ये देखो। और यहाँ पे आवाज क्या ही डरावनी आ रही है सच में। भैरव घाटी के रास्ते की बात की जाए ना, कुछ कठिन भरा रास्ता है ये, आप देख सकते हो यहाँ पल्लू भी और दीक्षु चढ़ रहे हैं और थोड़े लोग भाई नीचे से चढ़ रहे हैं। यहाँ मतलब पत्थर का क्या हुआ, पत्थर का सहारा लेना पड़ता है ऊपर चढ़ने के लिए। जल्दी आ जल्दी, कम ऑन लेट्स गो, एक बार फिर से बोल दे हर महादेव, जय शंकर जय भोले। भैया आप ऊपर देख सकते हो, अभी मेरे ख्याल में धूप लगी लेकिन थोड़ा कठिन भरा है दूसरे रास्ते के मुकाबले, ये रास्ता मतलब बेटर नहीं है, दूसरा रास्ता बिल्कुल अच्छा है। और दीक्षु मेरे को बड़ी देर की पूछ रही है कि आप आज बहुत खुश हो, और पल्लू बहुत देर की बोल रही है कि आप इतने खुश हो, कि इतने खुश क्यों हो? भाई खुश तो होना ही है क्योंकि भोले बाबा के दरबार में जा रहे हैं, तो खुश तो होने का बनता ही है, क्या बोलते हो? और इसका एक बहुत बड़ा रीजन भी है वैसे, क्योंकि 3-4 साल पहले जब मैंने दीक्षु को देखा था ना, उसके बाद मैं मणिमहेश आया था, तो मैंने शिव जी से मतलब कुछ भी नहीं मांगा था, सिर्फ इसको मांगा था, मैंने बोला मेरे को नौकरी दो या मत दो लेकिन इसको दे देना, मतलब इससे इतना ज्यादा लगाव अगर प्यार हो गया था। तो भोले शंकर ने वो मेरी बात सुन ली थी, तो तभी मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम इकट्ठे जा रहे दोनों, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मियाँ और बीबी आज हम दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत मांग ही रहे, क्या बोलते दीक्षित? बिल्कुल चलो भाई, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, काफी मेहनत करने के बाद चलने के बाद भाई
अभी वो टाइम आ गया कि यहाँ से कैलाश पर्वत के दर्शन भी हो जाएंगे और गौरीकुंड भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ की मेन मार्केट है। मतलब जितने भी लोग होते हैं ना, उनका मैक्सिमम टारगेट ये होता है नीचे से कि आज हमने गौरीकुंड वहाँ से, क्योंकि कैलाश पर्वत के दर्शन हो जाते हैं और उसके ऊपर 1 किलोमीटर ही बचता है सिर्फ ऊपर डल झील वहाँ पे। लेकिन कैलाश मतलब ज्यादा वहाँ पे स्नान वगैरह लेडीज ही करती है, बाकी जेंट्स नहीं करते। और यहाँ से कैलाश पर्वत के दर्शन भी हो जाएंगे, तो आपको अभी दर्शन वगैरह करवाते हैं यहाँ पे और मार्केट भी दिखाते हैं गौरीकुंड की। और भाई फाइनली आप देख सकते हैं वो रहा कैलाश पर्वत, भोले शंकर जी का मतलब निवास स्थान। दीक्षु कुछ देख के एनर्जी आई पर्वत को, कैलाश पर्वत को देख के आई एनर्जी, कैसा लग रहा है? तो एक बार फिर से बोलो, तो बोल दो हर हर महादेव। मेरे पल्लू के उसमें ये देखो, ये रही पल्लू और दीक्षु, और भाई सामने ही ये देख रही है कैलाश पर्वत। क्या ही नजारे है भाई, सच में यार, मांग लो जो मांगना है, जी भर के झोलियां भर देंगे। और ये रहा गोरा माता जी का मंदिर, जहाँ पे अभी हमने प्रसाद वगैरह चढ़ाना है। और यहाँ पे लेडीज वगैरह स्नान भी करती है नीचे, पहले यहाँ पे स्नान करती है और फिर ऊपर मणिमहेश को जाना है। और दीक्षु ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे चढ़ाने के लिए सूट वगैरह ले लिया। पल्लू बार बार कैलाश पर्वत को देखे जा रही है, लेकिन भोले शंकर अब दर्शन नहीं दे रहे हैं ना। जब हमने एंटर किया तभी दिए थे, फिर तब तो दे दिए, अब ऊपर जाके दे। दीक्षु और पल्लू बार बार देख रहे हैं पर्वत को, तो आप सामने देख सकते हो वो है जो धुंध के बीच में ढका पड़ा है कैलाश पर्वत। जब हमने एंटर किया था तभी दर्शन दिए, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई दर्शन नहीं दिए। तो अभी ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर से देते या नहीं। और फाइनली अभी पहुंच चुके हैं हम जहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं डल झील। अब ये सामने रहा कैलाश पर्वत, जो कि अभी तक दर्शन वगैरह कुछ भी नहीं दिया। दीक्षु देखे, दीक्षु क्या देख रहे हो आप? और ये देखो भाई, अपने रवि भाई भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जो कि शाम के गोड़ी थे। दिए भोले शंकर ने दर्शन, चटी लेकर दिए भोले शंकर ने दर्शन आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से दिए। अच्छा, मतलब इतने बड़े भक्त है ना, रात को 8 बजे ही अंधेरे में ही आ गए थे। अंधेरे में आ गए थे और मैं सारा रात सोया भी नहीं। हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपकी आंखें देख के लग रहा है मेरे को, तभी तो चश्मा डाल दिए देखो बंदे ने। चलो आपको भी दे देंगे टेंशन मान लो यार पल्लू, आप भी ठीक है, मिल जाएंगे जब मैं बोल दूंगा भोले शंकर, तब दे देंगे दर्शन। किसके इंतजार कर अभी बाद में बोलते हैं, थोड़ा स्नान वगैरह कर लेते हैं।